हाय गाइस दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में जो गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर सकते हो। भाई गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आगे चले गए आज की इस नई वीडियो में, बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया है। देन आप सभी को करना क्या है, यहाँ पे चले जाना आपको ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से जो आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड गाइस यहाँ जैसे आप मॉडल को ऐड करोगे गाइस आपको जो यहाँ पे कुछ स्टेप्स जो आपको मॉडल को यहाँ पे रख देना है, ठीक है। बाकी गाइस मेरा जो फोन है थोड़ा सा हैंग हो रहा था उस टाइम पे जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि गाइस फोन में जो बैटरी कम थी मेरे, एंड जब मेरे फोन में बैटरी कम होती थी मेरा जो फोन है थोड़ा सा हैंग करने लगता है। तो यहाँ पे मैं जैसे तैसे एडजस्टमेंट करके मैंने कर दिया है बाकी, ठीक है। तो बाकी ऐड फोटो में जाकर आपको जहाँ से ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड ऐड करना है, जिसके लिए हम शेडो बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है, इसलिए वीडियो भी मैंने छोटी करी है, ठीक है, क्योंकि यार फोन जो है ना अच्छे से मतलब चल नहीं रहा था। बाकी मैंने आपको कम समय में अच्छा समझाया बाकी, ठीक है। रिजल्ट में जाकर जो आपको इन्वर्ट करना है, देन आपको साइज़ को अपने अकॉर्डिंग रख के आपको फोटो को जूम करना है, एंड यहाँ से जो आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है शेडो के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस तरीके से। तो थोड़ी बड़ी हो गई, मैं बाकी इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, एंड ये परफेक्ट है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आप जैसे इतना कर दोगे आपको जो इसका थोड़ा सा ओपेसिटी जो है यहाँ पे कम कर देना है, एंड इतना हो जाने के बाद जो है आप लोगों को फिर क्या करना है आपको यहाँ पे कर देना है डन, ठीक है गाइस। तो इतना हो जाने के बाद आप लोग क्या करना है, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में, एंड यहाँ से ऐड करना है आप सभी को एक स्मोक का पीएनजी, ठीक है, जो कि आपको मैं बता देता हूँ कहाँ से मिलेगा। तो बाकी लिंक तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बाकी मैं यहाँ से ऐड कर लिया मैंने, बाकी हम क्या करेंगे इसको ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देंगे, एंड इसको इसको फुल स्क्रीन करेंगे, एंड नीचे के साइड में कुछ स्टेप्स ऐसे रख देंगे थोड़ा साइज बड़ा करके, ठीक है। देन इसके बाद हम इसको कर देंगे डन, एंड इसको डन कर देने के बाद हम यहाँ से अपनी फोटो को सेव कर लेंगे, एंड इसको लेके चलेंगे लाइट रूम ऐप में, क्योंकि लाइट रूम ऐप में रिटच करके हम इस फोटो को और भी रियलिस्टिक बनाएंगे। तो हमने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया, आप जाएंगे स्लाइड वाले ऑप्शन में, आपको जहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, हाईलाइट को जो है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, एंड जो शेडो है इसको भी इंक्रीज कर देना है, एंड जो यहाँ पे ब्लैक्स है इसको कम कर देना है। फिर चले जाना आपको कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा वाइब्रेशन बढ़ा देना है, एंड जो टेम्परेचर इसको थोड़ा कम कर देना है। फिर चले जाना आपको कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका ल्यूमिनस आपको बढ़ा देना है, एंड उसके बाद आपको येलो कलर लेना है, इसका ह्यू माइनस कर देना है, एंड इसका सैचुरेशन जो है इंक्रीज कर देना है। फिर आपको डार्क ब्लू में जाना है, आपको जो इसका ह्यू है जो इसको ल्यूमिनस जो है इसको माइनस कर देना, एंड कर देना अपनी फोटो को डन। एंड उसके बाद यहाँ से चले जाना नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है, फोटो में हल्का सा विग्नेट डाल देना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। देन आप सभी को यहाँ से थोड़ा सा फीदर जो है पूरा इंक्रीज कर देना है यहाँ पे, एंड चले जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की आपको शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है, एंड फाइनली गाइस यहाँ पे हमारी जो फोटो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।